किलोमीटर सफर बहुत लंबा है, और सफर इंग्लिश वाला सफर नहीं होना चाहिए, हिंदी वाला ही रहना चाहिए। और टाइम की कमी है और ज्यादा घूमना भी है, तो इसीलिए हम एक ही दिन में 1000 किलोमीटर खींच रहे हैं। भाई सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ गाय रोड पे। देखो फिर से दो रूट निकलते हैं, एक निकलता है वाया भिलवाड़ा और फिर NH 48 पे राजसमंद में ज्वाइन हो जाएंगे और फिर उदयपुर, और दूसरा रूट है वाया चित्तौड़गढ़। अरे भाई साहब स्कॉर्पियो एक्सल मुड़ गया। ओ लो जी फिर से ये लो भाई, देखो क्या मस्त पहाड़ लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वेस्टर्न घाट्स में आ गए हो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अगर मैं टाइम दिखाऊं तो ये सुबह के 3 बज रहे हैं, और भाई तैयारी हो गई है अपनी आज की जर्नी की, और बस निकलने वाले हैं। और भाई आज का डेस्टिनेशन बहुत दूर है, अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर हम आज ड्राइव करेंगे, 17 घंटे अपने को लगेंगे। और भाई आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अपन लोग जा रहे हैं गुजरात, तो भाई नेक्स्ट 5 डेज हम गुजरात में ट्रेवल करेंगे, और बहुत तोड़ लेवल की एक्साइटमेंट है, इसलिए भाई 3 बजे निकल रहे हैं सुबह। और भाई आज जो अपना डेस्टिनेशन है वो है अहमदाबाद, हम डायरेक्ट दिल्ली टू अहमदाबाद करने वाले हैं। पहले सोच रहे थे बीच में उदयपुर रुकते हैं, बट फिर सोचा यार उदयपुर तो बहुत बार रुके हुए हैं, तो सोचा इस बार डायरेक्ट जाते हैं अहमदाबाद। तो भाई बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है और मजा आने वाला है आज, और टेस्ट भी होने वाला है अपना 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने का एक ही दिन में नेशनल हाईवे पे, तो मजा आएगा ओवरऑल। बाकी कल हम अहमदाबाद से जाएंगे भाई कृष्ण की नगरी द्वारका, बिल्कुल वेस्ट पार्ट ऑफ गुजरात, और अपने एक धाम के दर्शन करेंगे, और फिर परसों द्वारका से हम जाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, तो अपने सेकंड ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन अपनी इसी ट्रिप पे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई बहुत तोड़ लेवल एक्साइटमेंट है, अभी फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट गाड़ी में सारा सामान लोड करते हैं और बस निकल लेते हैं। और भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। A few moments later. Excited हो? रात के 3 बजे, देखो एक्साइटमेंट। चले फिर करें शुरू, बोलो हर हर महादेव। चलो भाई 3:16 AM करते हैं आज की अपनी जर्नी शुरू, 1000 किलोमीटर। क्या बता रहा है गूगल, रोड क्लोज्ड, 15 घंटे नॉन स्टॉप, 968 किलोमीटर अपना होटल अहमदाबाद में। तो भाई पूरा दिन लगेगा, इनफैक्ट रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, मजा आएगा बहुत ही जबरदस्त। भाई अपना पहला टोल आज का सोना वाला, इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, रोड्स बहुत जबरदस्त मिलेंगे आज, बट भाई टोल भी बहुत जबरदस्त लगने वाला है। जो नेशनल हाईवेज पे मिसिंग है ना वो है ये रिफ्लेक्टर्स, देखो क्या बढ़िया क्लैरिटी दे रखी है, विजिबिलिटी दे रखी है रोड पे, स्ट्रीट लाइट से जरूरत ही नहीं है, ये रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए हर रोड पे सीरियसली, खासकर नेशनल हाईवेज पे, कुछ कुछ जगह हैं बट ज्यादातर रोड्स पे नहीं है। अभी अपने को देखो कोई भी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बच रही है वो अलग है भाई, स्ट्रीट लाइट्स का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है ये हाईवेज पे। एटलीस्ट करीब करीब 225 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे ही चलना है, उसके बाद लालसोट की तरफ एग्जिट लेंगे और बढ़ेंगे कोटा की साइड, बाकी रूट क्या लेते हैं वो तो आगे ट्रैफिक के हिसाब से है। मोस्ट प्रोबेबली कोटा नहीं जाएंगे, भिलवाड़ा निकल जाएंगे वहाँ से, और फिर वहाँ से उदयपुर निकल जाएंगे सीधे सीधे। रोड्स तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं पूरे, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही गोवा से आए थे गुजरात से होके, तो
ऑलमोस्ट यही रूट लिया था, बहुत जबरदस्त रोड्स हैं। देख रहे हो भाई बोरियत का आलम क्या होगा, 215 किलोमीटर ऐसे ही चलना है खाली रोड पे। अभी 101 किलोमीटर तक तो आएगा मजा, उसके बाद होने लगेगी बोरियत, तो एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेना पड़ेगा बीच में, वरना भाई बहुत बोरिंग हो जाता है ये एक्सप्रेसवे पे। और खासकर ये टाइम देख रहे हो सुबह के 4 बजे है ना, तो जनरली भाई इस टाइम पे लोगों को आती है नींद जो रात भर ड्राइव कर रहे होते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत रिस्की होता है हाईवे पे। इस टाइम बड़ा सेफ होके और ध्यान से चलना पड़ता है स्पीड लिमिट्स में। तो बाकी तो अभी फिलहाल खींचते हैं गाड़ी, कुछ चाय अपने साथ लेके आए हुए हैं, तो थोड़ी देर में चाय पियेंगे ताकि ब्रेक ज़्यादा लेने ना पड़े, क्योंकि भाई बहुत दूर जाना है आज, 1000 किलोमीटर है। ये आ गया है भाई पलवल का एग्ज़िट, और भाई यहाँ पे बहुत धांधलेबाजी होती है फास्टैग में। मेरे चैनल पे वीडियो भी है, अभी मैंने डाली थी कुछ दिन पहले, आप देख सकते हो। फास्टैग ये KMP के आसपास, पलवल के आसपास भाई बहुत फ्रॉड ट्रांजेक्शन होती है, लगने चाहिए आपके 40 रुपये वहाँ 200 रुपये काट लेते हैं। तो अपने फास्टैग ट्रांजेक्शन को देखते रहा करो, यहाँ बहुत फ्रॉड हो रहा है, खासकर इधर KMP में जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा। भाई एक्सप्रेसवे पे कितनी देर हो गई चलते हुए, पहली गाड़ी दिखाई दी है हमारे अलावा थार बिहार की, लंबा जा रहे हैं कहीं ये वापस बिहार जा रहे हैं लग रहा है, बट भाई गाड़ी ही नहीं है कोई एक्सप्रेसवे पे सुबह सुबह। तो भाई एग्जैक्ट 100 किलोमीटर कवर कर लिया एक्सप्रेसवे पे, और घर से आ गए हैं 140 किलोमीटर। और एक्सप्रेसवे पे ये 100 किलोमीटर पे आता है अर्बन ढाबा, यहाँ पे एक अपन टॉयलेट ब्रेक ले लेते हैं, कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं इक्का दुक्का, वरना लोग तो है नहीं, तो एक वॉशरूम ब्रेक लेते हैं और फिर चाय लेके आए हुए हैं, चाय पियेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। भाई इतने कीड़े मर गए हैं ना अभी तक, बुरा हाल हो गया है। अच्छे से साफ कर लेते हैं, विजिबिलिटी तो चाहिए भाई। चलते हैं भाई, यहाँ से हो गए एक वॉशरूम ब्रेक अपनी और चाय लेके आए हुए, तो चाय पीते हैं और फिर बस 2 मिनट में निकलते हैं। अभी भी अपना डेस्टिनेशन बचा है 850 किलोमीटर, बहुत दूर है भाई बहुत दूर। ये बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत ही ताबड़तोड़ स्पीड से चल रहे हैं, गूगल के हिसाब से अभी भी 13 घंटे लगेंगे, बट अपना एस्टिमेट है 14 से 14.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट लंच टी ब्रेक्स बहुत सारी ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई सफर बहुत लंबा है, और सफर इंग्लिश वाला सफर नहीं होना चाहिए, हिंदी वाला ही रहना चाहिए। अच्छा तो आराम से, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, मजे से चलते जाना है कॉन्स्टेंट स्पीड में। इतने लंबी जर्नी का एक ही रूल होता है कि ज़्यादा रुको मत, अगर रुक भी रहे हो तो छोटे छोटे ब्रेक्स लो, 5 मिनट 10 मिनट के स्ट्रेचिंग ब्रेक्स टाइप, और कंसिस्टेंटली चलते रहो। ज़्यादा ओवर स्पीड करके भाई रिस्क बढ़ता है और कुछ नहीं होता, अगर एंजॉय करते हो ड्राइव तो ही कर सकते हो इतनी लंबी, वरना भाई ब्रेक ले लो आराम से जाओ रुकते रुकाते। तो हमें तो कीड़ा है चलाने का गाड़ी, और टाइम की कमी है, और ज़्यादा घूमना भी है, तो इसीलिए हम एक ही दिन में 1000 किलोमीटर खींच रहे हैं सीधे, गाड़ी की भी लिमिट्स टेस्ट हो जाएंगी और अपनी भी। भाई सवेरा हो गया, देखो पीछे अभी एक्सप्रेसवे पे ही है, 164 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे चल गए हैं, थोड़ा सा और बचा है, मस्त लग रहा है।
5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं फिर चलेंगे। वडोदरा पीछे देखो हमारे 679, इससे अभी 750 किलोमीटर बचा है, अभी बहुत दूर है भाई, बट मजा आ रहा है। कितना पीस और शांति है। चलो चलते हैं, अब हो गई अपनी स्ट्रेचिंग। भाई एक्सप्रेसवे का पार्ट हो गया अपना कंप्लीट। 6:30 बजे यानी 3.25 घंटे में हमने 266 किलोमीटर कवर कर लिए हैं भाई, ताबड़तोड़ स्पीड से। और इधर निकल गए हैं सूर्यदेव और अब अपने लग जाएंगे यहाँ टोल में 550 रुपये के आसपास। बट भाई ज़बरदस्त रोड है, कुछ खास ट्रैफिक नहीं था। ये गाड़ियाँ भी अभी दिखने लगी हैं सुबह, अब वरना तो अर्ली मॉर्निंग तो कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। अब ना एक ढाबा आता है यहाँ से, अब टोंग की तरफ बढ़ेंगे इधर से और फिर वहाँ से देखेंगे एक बारी गूगल मैप्स पे कि कौन सा रूट लें, वाया भिलवाड़ा जाएं कि वाया चित्तौड़गढ़। भाई एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते ही इतनी गायें हैं ना इस रोड पे, रोड्स के बिल्कुल बीच में चल रही हैं, इतनी गायें हैं भाई, ये रिस्की है मामला। सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ गाय रोड पे, देखो फिर से आ गया भाई अपना ढाबा जिस पे लास्ट टाइम भी रुके थे गोवा जाते वक्त, यही है वो श्रीजी पैलेस शायद यही नाम है। यहाँ वॉशरूम भी क्लीन है होटल श्रीजी पैलेस, और चाय भी बढ़िया थी, पराठा भी बढ़िया था। और ये विंडशील्ड साफ कर लेते हैं भाई, बहुत गंदी हो गई है गाड़ी की, सीरियसली इतने कीड़े मरे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। तो अब ब्रेक लेते हैं, 290 किलोमीटर चल गए भाई। मच लेटर। चलो भाई निकलते हैं, चाय पी लिए, काफी टाइम लग गया, इतनी गाड़ियां आ गई हैं, लॉन्ग वीकेंड है ना, सब लोग निकल रहे हैं घूमने। चलो अब अपना डेस्टिनेशन है यहाँ से 679 किलोमीटर, अभी बहुत दूर जाना है भाई। हाँ जी बताओ, ये क्या हो गया आईफोन को? हाँ कॉकरोच भी पड़ा हुआ था वहाँ पे, सफाई कर दी अंकल ने उधर, कोई नहीं हो जाता है। अब यहाँ से टोंक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रोड अपने को ज्वाइन करा रहा है जयपुर टोंक नेशनल हाईवे पे NH 23। और टोंक पहुंच के एक बारी गूगल मैप्स फिर से चेक करेंगे, वहां से दो रूट निकलते हैं, एक निकलता है वाया भिलवाड़ा और फिर NH 48 पे राजसमंद में ज्वाइन हो जाएंगे और फिर उदयपुर, और दूसरा रूट है वाया चित्तौड़गढ़, तो वो कोटा के पास से डाइवर्जन है चित्तौड़गढ़ की और फिर वो आगे NH 48 में मिलता है। तो देखते हैं जिस रूट पे ट्रैफिक कम रहेगा ना वो रूट लेंगे। आगे भाई NH 23 जयपुर टोंक कोटा नेशनल हाईवे, तो अपने को लेफ्ट लेना है, कोटा की तरफ बढ़ेंगे, बट टोंक तक तो अपने को जाना ही जाना है, आगे कोई भी रूट लें, फिलहाल टोंक पहले आएगा तो लेफ्ट लेते हैं। आ गए भाई NH 23 पे, सीधा टोंक और कोटा। भाई टोंक पहुंचने वाले हैं, 25 किलोमीटर बचा है टोंक। तो आज की ये वीडियो ना दो पार्ट में होगी आज की जर्नी, क्योंकि भाई 1000 किलोमीटर की है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बाकी भाई वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। अरे भाई साहब नहीं गंदे काम, वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है, क्लाउड्स हो गए हैं तो धूप गायब हो गई है, बढ़िया हवा चल रही है। चलो बैठो ढंग से बैठो,
चलो भाई 600 किलोमीटर बचे हैं एग्जैक्ट। अरे भाई साहब स्कॉर्पियो एक्सेल मुड़ गया। ओ भाई सीधी मारी है इस पे फुटपाथ पे। भाई नींद आ गई लग रहा है, लग रहा है मुझे नींद आ गई थी बंदे को पक्का। भाई ये तो स्कॉर्पियो की बिल्ड क्वालिटी है, बंदे बच गए होंगे अंदर क्योंकि आगे बोनट तक ही था, मेजर इंपैक्ट और एक्सल वगैरह टूट गया है, मेजर डैमेज है गाड़ी में, लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी तो तगड़ी है स्कॉर्पियो की। और ऐसे एक्सीडेंट्स जनरली ना नींद में होते हैं कि वो एकदम से बैरिकेडिंग सी हो रखी थी साइड में, वो दिखाई नहीं दी होगी, रात को बंदे को नींद आ गई होगी। बहुत रिस्की है भाई ड्राइविंग हाईवे की और खासकर रात को। तो अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखो, जितनी बड़ी गाड़ी जितने पावरफुल इंजन बंदा उतना ही ज्यादा भगाता है इनको। ये आ गई भाई बनास रिवर, पानी ज्यादा तो नहीं है। हाँ वो ट्रेन का ब्रिज है, बढ़िया लग रहा है, ग्रीनरी हो रखी है काफी बारिश की वजह से ना। जब हम मई में आए थे गोवा जा रहे थे तब इतनी ग्रीनरी नहीं थी, इतने ये पहाड़ गंजे से ही थे, अब थोड़ी ज्यादा ग्रीनरी है। टोंक आ गया भाई, ये सामने जो पहाड़ पे ऊपर मंदिर बना हुआ ना ये टोंक में ही है, ये बिल्कुल चोटी पे बना हुआ है पिरामिड जैसा। हाँ तुमने ही दिखाया भाई, पता है मुझे। यस टोंक आ गया भाई, टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 8, तो हम 3:15 चले थे तो 5-5.5 घंटे में हम लोगों ने कवर कर लिए 338 किलोमीटर और टोंक पहुंच गए हैं ताबड़तोड़ स्पीड से। इस स्पीड से चलते रहे तो हम 7-7:30 तक अहमदाबाद पहुंच जाएंगे और अपने 1000 किलोमीटर की आज की रोड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी बढ़िया से। प्रॉब्लम भाई इन हाईवेज की राजस्थान और एमपी में, गौ माता बिल्कुल रोड के बीच में बैठी है यार, और रात को तो दिखाई भी नहीं देता, रात को तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, दिन में तो फिर भी ठीक है विजिबिलिटी अच्छी खासी है। सफर है तेरा ये रास्ता तेरा, भाई रिस्की काम बहुत ज्यादा है, वो पीछे ट्रक के बिल्कुल सामने गांव आ गई है भाई, बहुत रिस्की है। तो भाई अब फिर रूट चेंज कर लिया, चित्तौड़गढ़ वाला जो रूट है वो 10 मिनट्स के करीब फास्टर है, तो भाई 10 मिनट बहुत है अबे साले बचाने को, तो अभी फिलहाल चित्तौड़गढ़ वाला रूट ही ले रहे हैं। तो अभी डायरेक्ट इधर से जाएंगे, पहुंचेंगे हम कोटा और कोटा सिटी एंटर नहीं करेंगे, वहां से हम बाईपास कर जाएंगे कोटा सिटी को और फिर बढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ और वो सीधा अपने को मिला देगा उदयपुर NH 48 पे। तो ऑल इन ऑल रूट बहुत ही बढ़िया है, कहीं पे सिंगल गड्ढा भी नहीं है, बट थोड़ी सी कैटल्स की प्रॉब्लम है, गायें हैं रोड पे बहुत ज़्यादा और बीच बीच में आ जाती हैं, एकदम से क्रॉस करने लग जाती हैं, तो वो रिस्क है, अदरवाइज रूट बहुत बढ़िया है भाई। कोटा नहीं बूंदी से डायवर्जन मिल जाएगा अपने को चित्तौड़गढ़ की तरफ, अभी बूंदी यहाँ से है 51 किलोमीटर, तो हमें कोटा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम टोंक से पहुँचेंगे बूंदी और बूंदी से डायवर्जन ले लेंगे चित्तौड़गढ़ की तरफ, जो आगे जाता है कोटा से वो तो फिर अपने को ले जाएगा इंदौर की साइड और उज्जैन की साइड, वहां नहीं जाना अपने को, वहां तो हम गए थे 2 महीने पहले। गौ माता
भाई एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिया है, 2 मिनट का बस, ज़्यादा नहीं। धूप निकल गई है अब तो, और गाड़ी हो गई है बहुत गंदी, दिखाता हूँ। ये देखो भाई कीड़े, खून लाल रंग का भाई साहब, कीड़ों का भी लाल, हरा, हर तरीके का रंग। ये देखो बहुत पाप हो गया भाई, क्या करें। अभी भाई 10 घंटे बचे हैं, बहुत दूर जाना है अभी तो। टाइम हो गया 8:51, चलो बैठो चलते हैं। यस बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। छोटे उस पे जिस पे काव है, देखो क्या मस्त पहाड़ लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वेस्टर्न घाट्स में आ गए हो, इतनी ग्रीन है जबरदस्त। और सामने आ गई है टनल, बहुत भयंकर ग्रीन हो गए हैं भाई, बारिश का कमाल है, मस्त लग रहे हैं व्यूज। अब अपने को 2.4 किलोमीटर बाद लेना है स्टेट हाईवे 29 चित्तौड़गढ़ की तरफ। हाँ आर्मी, ये आ गया भाई, टनल क्रॉस करते ही चित्तौड़गढ़ का लगा हुआ राइट में, वही लेना है अपने को। फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, मतलब यहाँ से नीचे से अपने को जाना है राइट, स्टेट हाईवे 29 सीधे जाओगे तो आप निकल जाओगे कोटा, कोटा अपने को जाना नहीं है। ये आ गया जी भिलवाड़ा, भी यहाँ से भी जा सकते हो चित्तौड़गढ़, 156 चित्तौड़गढ़ जाना है अपने को, और फिर वहां से उदयपुर। तो भाई यहाँ तक तो रोड बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि अभी तक थे हम एक्सप्रेसवे पे और नेशनल हाईवे पे, तो सिंगल गड्ढा भी नहीं था। घर से आ गए हैं 450 किलोमीटर एग्जैक्ट, तो अब स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, तो देखते हैं राजस्थान के स्टेट हाईवे कैसे हैं। वैसे तो सही होने चाहिए, बस ये है कि अब टू वे हो जाएगा, ये वन वे हो जाएगा, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ मिलेगा थोड़ा सा, अपने जो एवरेज स्पीड थी वो कम हो जाएगी अब, बट कोई नहीं। देखते हैं कितने किलोमीटर इस पे रहना है अपने को, गूगल के हिसाब से तो 46 किलोमीटर दिखा रहा है, तो करते हैं, बढ़ते हैं भाई चित्तौड़गढ़ की तरफ।